अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तहमीना यासिर है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपनी वीडियोस के जरिए जहनी मसाइल के बारे में अवेयरनेस और उनके इलाज के बारे में गाइडेंस देती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिले। और मेरी इस वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचे। शुक्रिया। आज मैं आपके साथ एक नई केस स्टडी शेयर करूंगी जो फैमिली रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के बारे में है। इससे आपको अंदाजा होगा कि महज कम्युनिकेशन गैप किस तरह हमारी साइकी को बुरी तरह मुतासिर करता है। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, बहुत वेल मैनर्ड और वेल ग्रूम्ड। वो अपने आप को हमेशा टिप टॉप से तैयार रखती और हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती। जाहिरी तौर पर उसे देखकर कोई शख्स ये गुमान भी नहीं कर सकता था कि उसे कोई नफ्सियाती मसला भी लाहक हो सकता है। ये उन दिनों की बात है जब मैंने अपने इलाके के एक बड़े स्कूल में फ्री अवेयरनेस कैंप लगाया हुआ था, जिसका मकसद नफ्सियाती मसाइल के हवाले से तलबा और तालिबात को आगाही फराहम करना था। वो लड़की पहले ही दिन मेरे पास आई और मेरे काम में दिलचस्पी का इजहार किया। वो मुझसे मुतफरिक सवाल पूछने लगी। मैंने उसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के काम के बारे में बुनियादी मालूमात फराहम की। इब्तदा में मुझे यूं लगा कि जैसे वो इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के सिलसिले में मालूमात ले रही है। वो बहुत कुरेद कुरेद कर सवाल कर रही थी। कुछ देर के बाद वो सवालात करके वापस चली गई। अगले ही रोज वो लड़की दोबारा मेरे पास आई और मुझसे अलहदगी में बात करने की इजाज़त चाही। मैं उसे लेकर एक साइट पर हुई तो उसने बताया कि वो कुछ अजियतनाक मसाइल से दोचार है जो अंदर ही अंदर उसे इंजर करते जा रहे हैं और वो उन्हें सॉल्व करना चाहती है। मैंने उसे अपने क्लिनिक आने का कहा तो उसने बताया कि ये उसके लिए मुमकिन नहीं है क्योंकि घर का कोई फर्द उसके साथ नहीं आ सकता। मैंने उसे ऑनलाइन काउंसलिंग की ऑप्शन का बताया तो वो बहुत खुश हुई और मुझसे रابطे के लिए फौरन व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज कर लिया। मैंने उसे अगले ही रोज की अपॉइंटमेंट दे दी। अगले रोज जब वीडियो कॉल के जरिए उसके साथ रابطा हुआ तो उसने बताया कि वो एक बहुत मालदार घराने से ताल्लुक रखती है। उसकी फैमिली में पैसे की रेल बेल है और सारी अहमियत भी पैसे ही को दी जाती है। पढ़ाई लिखाई को कोई खास अहमियत नहीं दी जाती है। उसके भाई ने बमुश्किल मैट्रिक पास किया और वालिद के साथ कारोबार में लग गया। बड़ी बहन ने भी FA पास किया और उसके बाद तालीम का सिलसिला रोक दिया, जबकि उसे तालीम हासिल करने का बहुत शौक है। उसने मजीद बताया कि घर में वालिद और भाई की हर बात मानी जाती है और अम्मी और बहनों के लिए इख्तलाफ की कोई गुंजाइश नहीं होती। वो चूंकि जहीन और सेंसिटिव लड़की थी तो इन बातों से उसे तकलीफ होती थी। उसे ये बात समझ नहीं आती थी कि लड़की के तौर पर पैदा हो जाने से वो कमतर किस तरह करार पाई, जबकि वो तालीम में अपने भाई से बहुत बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करती है। वो अपनी अम्मी से जब भी ये सवाल पूछने की कोशिश करती तो वो उसे डांट पिलाकर चुप करा देती और घर के मर्दों की बात मानने और उनकी खिदमत करने का कहती। उसकी बहन ज्यादा सेंसिटिव ना थी और उसने अपने हालात से एडजस्ट कर लिया था। वो उसे भी मुसलसल एडजस्टमेंट की तलकीन करती लेकिन इसका दिल ना मानता था। तरह तरह की बागियाना सोचें उसके दिलो दिमाग के अंदर खलबली मचाती रहती। उसकी हसासियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो छोटी छोटी बातों पर हर्ट होती। रद्द अमल में आकर वो कई दफा अम्मी और भाई के ऑर्डर्स मानने से इनकार कर देती। कभी वो बदतमीजी करती, कभी चीखती चलाती, कभी नाराज होकर बिस्तर पर पड़ जाती। वो रो रो कर अपनी अम्मी से पूछती कि उसमें और भाई में फर्क क्यों किया जाता है, लेकिन जवाब में अक्सर उसे डांट ही पड़ती और बात कभी कभार मारपीट तक भी पहुंच जाती। उसकी अम्मी उसे कहती कि मैं तो खुद हर बात तुम्हारे भाई से पूछकर करती हूँ, तो तुम्हें क्या मसला है? भाई घर का बड़ा होता है, उसकी हर बात माननी चाहिए। तकरीबन 2 साल पहले स्कूल में उसकी कुछ नई लड़कियों से दोस्ती हुई। वो लड़कियाँ अक्सर अपने मेल फ्रेंड्स का जिक्र करती कि उसने मुझे ये गिफ्ट दिया, वो मेरी तारीफ करता है, वगैरह वगैरह। उस लड़की ने भी इन बातों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। उसके अंदर भी ये शौक पैदा हुआ कि वो भी किसी लड़के से दोस्ती करे। एक दिन उसकी फ्रेंड ने अपने कजन के साथ उसका तारुफ कराया। वो लड़का सिंगर था और फंक्शंस में परफॉर्म करता था। उसे वो लड़का पसंद आया और उनकी बातचीत शुरू हो गई। वक्त के साथ साथ उनकी दोस्ती बढ़ती गई। इस नए ताल्लुक ने उसे उसके गम भुलाने में बहुत मदद दी और वो खुश रहना शुरू हो गई। उसने इस दोस्ती को घर वालों से छुपा रखा था, लेकिन कब तक? 6 माह पहले उसके वालदैन को इस ताल्लुक का पता चल गया। वो बहुत सख्त नाराज हुए और उसे बहुत मारा।
उसका स्कूल जाना बंद कर दिया और उस लड़के को भी डरा धमका कर अपनी लड़की से दूर रहने की तंबीह की। उस लड़की की फ्रेंड को जब सारी बात का इल्म हुआ तो उसने ये बात सारे स्कूल में फैला दी। चुनांचे हर शख्स ने उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। 2 महीने के बाद उसके एग्जाम्स थे, चुनांचे वालदैन ने बहुत ज्यादा पाबंदियों के साथ उसे स्कूल जाने की इजाजत दी। स्कूल जाकर उसे पता चला कि वो लड़का तो तकरीबन उसकी हर सहेली से बात करता था। उसे शौक लगा, वो तो ये समझती थी कि वो लड़का सिर्फ उसे पसंद करता है। उस लड़के ने भी उसे बता दिया कि वो सिर्फ उसका बहुत अच्छा दोस्त है। लड़की को थोड़ी मुश्किल तो हुई, लेकिन उसने भी बिल आखिर इस हकीकत को एक्सेप्ट कर लिया। उस लड़की ने मुझे बताया कि मैं बजाहिर तो नॉर्मल नजर आती हूँ, बल्कि बहुत खुश नजर आती हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत ज्यादा मसाइल का शिकार हूँ। पेरेंट्स ने जिद में आकर मुझसे 10 साल बड़े कजन के साथ मेरी एंगेजमेंट कर दी है। मेरी उनके साथ बिल्कुल भी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैं अभी तक उस लड़के से बात करती हूँ और उससे ताल्लुक तोड़ा नहीं जा रहा। अम्मी बड़ी सख्ती के साथ मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहती हैं। 2-3 दफा मैंने खुदकुशी की धमकी भी दी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। मुझे रिजेक्शन और वर्थलेसनेस बहुत शिद्दत के साथ महसूस होती है और मैं अक्सर रोती रहती हूँ। मैंने उसकी परेशानी को कम करने के लिए और रिलैक्स करने के लिए डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस शुरू करवाई। फिर उसको अपनी एक्टिविटीज को स्केड्यूल करने के लिए कहा, ताकि वो दिन में ज्यादातर टाइम मसरूफ रहे। इसके बाद कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग का काम शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहले गोल प्रायोरिटाइजेशन कराई गई, ताकि वो वाजे तौर पे अपनी जिंदगी का मकसद मुतय्यन कर ले। उसने तय किया कि वो टीचिंग करना चाहती है, लेकिन फिलहाल वो किसी काम पर फोकस नहीं कर पाती। हमने गोल्स बनाकर टारगेट सेट किए और फिर कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग के जरिए इस नतीजे तक पहुंचे कि उसके लिए पढ़ाई जारी रखना ही जरूरी है। उसे ये बात भी समझ आने लगी कि उसे अपने कजन के साथ मंगनी को कायम रखना चाहिए, क्योंकि वो केयरिंग भी है और उसे पसंद भी करता है, जबकि वो सिंगल लड़का बिल्कुल नॉन सीरियस है। जब उस लड़की ने इस सोच को एक्सेप्टेंस दी तो उसे कुछ बिहेवियरल टेक्निक्स के जरिए एंगर मैनेजमेंट और सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस करवाई गई। इस स्टेज पर पहुंचकर मैंने उससे अपनी वालदा से बात कराने का कहा। शुरू में तो वो लड़की बहुत हिचकिचाई और उसकी वालदा ने भी इनकार कर दिया, लेकिन मेरे इसरार पर वो बात करने पर आमादा हो गई। मैंने उन्हें समझाया कि वो अपनी बेटी को जिस नतीजे तक जबरदस्ती पहुंचाना चाहती थी, आज वो अपनी आजाद मर्जी और खुशी से उसी नतीजे पर पहुंच चुकी है। मैंने उन्हें अपनी बेटी को डील करने के लिए कुछ टिप्स दिए और उन्हें एहसास दिलाया कि अपने बेटे और बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए और उन्हें बराबर की अहमियत देनी चाहिए। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा करते हुए मेरे मशवरों पे अमल करने का यकीन दिलाया। उस लड़की ने 1 माह बाद फोन करके बताया कि अब उसकी फैमिली का रवैया हैरान कुन हद तक बेहतर हो चुका है। उसे अपने कजन में भी खूबियां और अच्छाइयां नजर आने लगी हैं। उसने उस सिंगल लड़के से बातचीत खत्म कर दी है और अब उसकी पढ़ाई की तरफ तवज्जो भी बढ़ गई है। वो बहुत खुश है और उसके कजन ने भी उसे ये यकीन दिलाया है कि उन्हें उसकी पढ़ाई पर कोई एतराज नहीं है और वो जहाँ तक चाहे पढ़ सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह, गोल प्रायोरिटाइजेशन और कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग ने उसे फिक्री इंतशार से बचाकर हकीकी मुसर्रत और दायमी खुशी की शाहराह पर डाल दिया। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे विद अनदर टिप फॉर बेटर लाइफ।